Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? I am back. ये राका है मास्क के साथ और मैं आज राका को कहाँ लेकर आई हूँ? IKEA. यहाँ से हमें कुछ चीजें लेनी है और ये पार्किंग है और सामने जो आपको दिख रहा है वो सर्कस है जहाँ पे कभी राका जाता है परफॉर्म करने के लिए. और ये मैं रिचा आपके सामने इतने दिनों के बाद, है ना. काफी बिजी स्केड्यूल हो गया था तो मैं अब क्या कहूँ. ये भी बोलो ना कि लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं था और लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं था तो अभी लॉकडाउन यहाँ पे खुल चुका है और मैं ये मास्क पहनने वाली हूँ. तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है. एक्साइटिंग है ना. मुझे ये मास्क पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है. आ गया हूँ फर्नीचर. और ये रहा IKEA स्टोर. यहाँ पे QR कोड स्कैन करना पड़ता है जो कि राका ने कर लिया है. चले चलो. Hey, it's great to see you. हेलीकॉप्टर का आवाज कितना स्ट्रॉन्गली आ रहा है. ये रहा IKEA स्टोर. वाओ दिस इज ग्रेट. वाह कितना खूबसूरत लग रहा है. राका मेरे को ये बेड चाहिए इस पूरे डेकोरेशंस के साथ. उसमें लाइट भी है. हाय हाउ आर यू. ये सारे बैग्स भी हैं. ये बैग्स शॉपिंग के लिए हैं. वाटर बॉटल्स हैं. ये बिग बॉस वाले बॉटल हैं क्या? तो ये पार्टीशन वाइज है. ये एक्चुअली IKEA स्टोर. यहाँ पे आपको किचन रिलेटेड, बेड रिलेटेड, स्टेशनरी रिलेटेड, उसके बाद फर्नीचर रिलेटेड कोई भी नहीं है यहाँ पे. तो ये पता नहीं ये लाउंज कैसा होना चाहिए उसके लिए. ये लाइट्स देखो आप. ये चेयर नॉट बैड. ये स्टडी तो नहीं लग रहा. ये सेक्शन जो है ये मुझे लग रहा है ऑफिस का सेक्शन है क्योंकि ये सारे फाइल्स रखे हुए हैं. सोशल हब मतलब आप समझ गए. लॉन्ज एरिया जहाँ पे हम लोग सब लोग बैठते हैं और जहाँ पे एक छोटा सा किचन भी होता है जहाँ पे आप कुछ कुक कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो. ये सारे मतलब एक छोटा सा आप समझ लो सोशल हब जैसा. आप वो देखो ये इन्होंने छोटे से ही जगह पे इस छोटे से जगह को इन्होंने किचन का एरिया भी बना दिया है और इस साइड आप बैठ भी सकते हो. हाँ क्या है? ये बच्चों के टेबल्स हैं छोटे छोटे से. ये बच्चों के मैट्स हैं. ये सोफा राका ये छोटा सा सोफा. ओ माय गॉड ये शिबू को पसंद आ जाएगा. सी दिस इज रियली वर्थ यार. कितना अच्छा है ना. ये देखना बच्चों के वो जो एक हमने टिकटॉक पे नहीं देखा था उसका एक पूरा किचन सेट होता है. तो ये पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए है. ये सारे क्या कहते हैं इनको डमी फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ पे. और ये डमी आप टैप देख लो जिसमें से पानी नहीं निकलता ऑब्वियसली. जो हम सब ने बचपन में बहुत खेला है घर घर. मैं तो स्पेशली बहुत खेलती थी. और ये बड़े लोगों का किचन जिसमें एक्चुअल में सब कुछ होता है. ओके ये भी लाउंज एरिया ही है. लाउंज एरिया
जहाँ पे सिर्फ आप बैठ सकते हो, ऑफिस का काम कर सकते हो, ऑफिस के रिलेटेड अच्छा है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, जितना भी इसको रिकॉर्ड कर लो कम ही पड़ेगा। ये मुझे ना ऑफिस सेक्शन ही लग रहा है ना, मतलब स्टडी बैठने वाला, मीटिंग। हाँ, मीटिंग करने वाला। ये इधर भी शायद वही है कुछ। और ये क्या है राका, आइए आइए आप हमारे ऑफिस में बैठिए। ये मेरा, ये तो लग रहा है प्रॉपर टिपिकल एडवोकेट का ऑफिस लग रहा है ना। सर्दी में कॉफी लेकर बैठो साथ में। इधर आगे भी कुछ है, इतना अच्छा सा वॉच। ये बच्चों का जो प्ले स्कूल होता है ना, उस तरीके का है ये। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट लग रहा है। ये बच्चों के टॉयज हैं, इधर भी हैं। ये बेड है छोटू सा, यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही है ना, ये सब बिकती है। ये बिकी हुई गवर्नमेंट है। राका को ये चेयर बहुत पसंद आया है मेरे लिए। ये एक्चुअली बहुत अच्छा भी है बैठने के लिए। दैट्स रियली नाइस राका, मुझे बैठ के अच्छा लगा। ओह गॉड, यस, गुड फॉर स्लीपिंग एज वेल। बैठ के आप यहाँ पे टीवी देख सकते हो। ये कैंडल्स छोटे छोटे से। ओ भाई साहब, जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है ना। ये छोटी सी गुड़िया, और ये पता नहीं, ये वैसे मुझे भी मुझे लग रहा है ऑफिस से रिलेटेड टेबल्स जो होते हैं ना वो सारे हैं। राका इसको देख के ऐसा लग रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इनके पास वैरायटीज बहुत है ना, ऑप्शंस बहुत है। और यहाँ पे एक साल के लिए, लाइक अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो आपके पास एक साल है। अगर वो सही कंडीशन में रही तो वो ले लेते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप, ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना डाइनिंग टेबल। इसके चेयर थोड़े डिफरेंट है। ये 6 लोगों की फैमिली, हम दो हमारे दो, नहीं नहीं हम दो हमारे चार। ये 6-4 लोगों की फैमिली है, हम दो हमारे दो। आप ये देख लो, ये प्रॉपर डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के लिए या कैफेटेरिया के लिए या जहाँ भी बैठ के खाया जा सके, ब्रेकफास्ट किया जा सके, डिनर किया जा सके, लंच किया जा सके, व्हाट सो एवर, सबके लिए है। यहाँ पे टेबल मिलेंगे, चेयर मिलेंगे, प्यार है, जज्बात है। और ये शायद मुझे लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट में जो होते हैं ना, जो हाय, ये हॉट डॉग, आई डोंट लाइक हॉट डॉग ना, वेजिटेरियन नहीं है, आई लाइक हॉट डॉग, आई लव वेजिटेरियन फूड। वैसे तो मैं नॉन वेज भी खाती हूँ, लेकिन वाओ, ये किचन भी कितना प्यारा लग रहा है। राका ये देखना, ये किचन, इसका टैब इसमें कितना क्लासी है। ये ऑन करने से पानी आता है क्या, देखना, ऑन करके छोड़ देते हैं शुरू। हाँ, गुम है किसी के प्यार, ये जो शॉर्ट मूवी बना रहे हैं ना, वो भी नहीं लगा है। हाँ, बेडरूम लगा में, वो बेडरूम वाला शॉट है ना। हाँ, डू यू थिंक वी शुड बाय दिस वन, इट्स रियली वर्थ बाइंग इट, बिकॉज़ हाँ, एक तो ले लेते हैं, चलो
अब कितने का क्या है, लेना है तो लेना ही है ना। मैडम कुछ चाहिए? हाँ, मेरे लिए कुकुरमुत्ता झोल सूप लेकर आओ। ये देखो मेरा प्यारा सा किचन। हाँ स्टार्ट। ये देखो मेरा प्यारा सा किचन, यहाँ पे राइस रखा हुआ है, यहाँ रोटी रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेड रखा हुआ है, वहाँ पे पिज्जा रखा हुआ है, और ये देखो मैंने ये सारा खुद ही डेकोरेट किया है। वाह, क्या है, स्पेशल फंक्शन है? स्पेशल कुछ नहीं है। अच्छा, ये रोज का है? मैं डेली ऐसे ही खाती हूँ। क्या कर ली थी? ये मेरा किचन है और मैं ना खाना बनाने जा रही हूँ। मैं ऐसे इसमें ना टैप को ऑन करूँगी। देखो मैं टैप ऑन करती हूँ, यहाँ पे मैं कुकिंग करूँगी। बस ज़्यादा मैं छेड़ा सामान मैंने बटन दबा दिया। और ये मेरा छोटा सा माइक्रोवेव है। चलो चलो। और ये आप खूबसूरत सा चिकन कह रही हूँ, सॉरी, खूबसूरत सा किचन। ओह माय गॉड, इसके वॉलपेपर देखो आप, ऐसे लग रहे हैं कि सच में विंडो खोल ऐसे ना, ये बाहर का व्यू है, बट ये बाहर का नहीं है, ये किचन इन्होंने इस तरीके से बनाया है। और ये शायद ना क्या बोलो, ये फ्रेम है जो कि कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव है। इस फ्रेम को देख के ऐसा लग रहा है कि आप रियल इमेजिनरी देख रहे हो। नाइस। ये रिचा का कमरा है? ये कमरा नहीं है, ये मेरा बाहर का एरिया है। सही बेडरूम है जनाब, भी कोई नहीं बोल रही है, देखो। अगर आप इमेजिन करो कि आपका बेडरूम कुछ इस तरीके का दिखे, हाउ यू गोना फील इट। हर इंसान को अपने बेडरूम से कितना प्यार होता है ना, जो कि ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा। एक वही तो जगह है जहाँ पे हम दिन भर थक के रेस्ट करते हैं, और उस पर से ऐसी फीलिंग देने वाली बेड हो, ऊपर से भी ऐसा ट्विंकल ट्विंकल स्टार है ना, अच्छा लगा मुझे इस तरीके का बेडरूम होना चाहिए। बिकॉज समटाइम यू चेंज योर माइंड फॉर पीस। तो ये पूरा बेडिंग एरिया है, पूरा बेड सेक्शन है, जहाँ पे इन्होंने खुद अपने हिसाब से डेकोरेट कर रखा है। बट आप जैसा चाहो, अगर ये जो लाइट है ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, बट आप उसको डिम करना चाहते हो तो वो आपके अकॉर्डिंग, आपको पता है वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। आपको डिम लाइट चाहिए, आप डिम लाइट यूज़ कर सकते हो। तो ऑल ओवर ये वो जो था मैं आपको दिखा रही थी, वो बेडिंग एरिया था जहाँ पे सिर्फ आपको बेड दिखे थे। वाह, ये बेड देखो आप, इसमें आप शूज़ भी रखने वाले, इन्होंने क्या कहते हैं पार्टीशन कर रखा है, आप शूज़ के लिए यूज़ करो या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करो, ये सारे कवर हो गए।